दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे प्लान के विषय में जो मेरे एक सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर ये मॉडल मैं डिजाइन कर रहा हूँ और जिसका साइज 22x52 हाउस प्लान आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22x52 आज हम डिस्कस करेंगे। हालांकि हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बहुत सारे कमेंट्स करते हैं और हम सभी के लिए मॉडल नहीं डिजाइन कर पाते हैं, लेकिन जो आज मॉडल डिस्कस कर रहे हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हम इसी को डिस्कस करते हैं। तो चलो ज़्यादा समय ना गुजारते हुए हम आपसे इस मॉडल का ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आपसे मैं गुजारिश ज़रूर करूँगा, अगर आप हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, इससे आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप लगातार पा सकें। तो चलो हम आपको ले चलते हैं स्क्रीन पर और वहां पर दिखाते हैं आपको इस मॉडल को पूरा डिस्कस करके। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये मॉडल आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर और इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे जिसका साइज है 22x52। अगर आप दोस्तों 22x50 या 20x50 भी है तब भी आप इसी मॉडल को थोड़ा सा एडजस्ट करके आप डिजाइन करवा सकते हैं। तो ये स्क्रीन पर अगर हम मॉडल देखेंगे तो ये आप देख पा रहे हो फ्रंट व्यू इसका जो है, सामने से मैं आपको दिखा देता हूँ, सामने से आपको ये मॉडल ऐसा दिखेगा। अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो आप यहाँ पर दोस्तों लॉन रख सकते हैं, पूरा एक खाली स्पेस रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 22x52 है तो उनका जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनकी डिमांड थी कि नीचे वाले फ्लोर पर एक मार्केट डिजाइन की जाए, तो मैंने यहाँ पर एक मार्केट डिजाइन किया और ऊपर आपको रहने की व्यवस्था की है। तो ये पूरा डिजाइन आप डिस्कस करेंगे, हम देख सकते हैं। आप अगर फ्रंट की बात करें, ऊपर से बात करें तो आप ऊपर से देख सकते हैं, फ्रंट से देखना चाहे तो ऐसे देख सकते हैं। तो हमेशा की तरीके हम सबसे पहले इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहेंगे। आपको ट्रांसपेरेंट करने के बाद आपको ये मॉडल कैसा दिखेगा ये आप देखिएगा। जैसे आप ट्रांसपेरेंट करते हैं इस मॉडल को तो ये आपको ऊपर से नीचे तक पूरा दिखता है। तो दोस्तों ये ट्रांसपेरेंसी में ये मॉडल आपको ऐसा दिखेगा, पूरा देख सकते हैं आप ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर साइड की बात करें तो साइड से मॉडल ऐसा दिखेगा, नीचे दोस्तों मार्केट है। अब इसकी हम ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं रिमूव और इसको ले आते हैं आपको ओरिजिनल पोजीशन पर। तो जैसे आप ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आते हैं तो आपको ये मॉडल ऐसा दिखने वाला है और आप ये देख पा रहे होंगे। तो ये मॉडल कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई रिकमेंडेड मॉडल आप चाहते हैं मुझे कमेंट करें। तो सबसे पहले हम इसको ले चलते हैं आपको ग्राउंड फ्लोर पर। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो सामने की अगर हम बात करें, फ्रंट की बात करें, तो आप ये मॉडल ऐसा देख पा रहे होंगे कि दोस्तों पूरा मार्केट डिजाइन किया है मैंने। आप देखिएगा जैसे एंटर करते हैं सामने वाली जो दुकानें हैं, मतलब कि जो शॉप्स है उसमें मैंने यहाँ पर ग्लासेस का यूज़ किया है। और जैसे आप एंटर करते हैं दोनों साइड देखिएगा, दोनों साइड आपकी मार्केट है, लगभग 4 दुकानें इधर और 5 दुकानें इधर। लास्ट वाली जो शॉप में है वहाँ पर स्टेयर्स दिया जिसके माध्यम से आप ऊपर चल सकते हैं। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर है। अगर इन साइज की बात करें, इन मार्केट की साइज का बात करें, इन दुकानों की साइज की बात करें, इन गैलरीज की बात करें, तो आप उसके लिए हमारे आपको वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ये ऑप्शन देख पा रहे होंगे और इसको ऐड टू कार्ट या बाय नाउ पर क्लिक करके मात्र 99 रुपीज़ में ये प्लान दोस्तों आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2D images, 3D images विद डायमेंशन मिल जाती हैं और इसको जैसे आप खरीदते हैं तो आपको नाम पता एड्रेस मांगेगा और आपके प्रोफाइल में एज अ जिप फाइल वहाँ पर जाकर सेव हो जाता है, जिसे एक्सट्रैक्ट करके 2D images, 3D images आप देख सकते हैं, जिसमें कि आपकी सभी डायमेंशन मिल जाती हैं। तो ये तो हो गया ग्राउंड फ्लोर की बात, जिसमें को दोस्तों मात्र मार्केट मैंने डिजाइन की। अब हम चलते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेकर। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं दोस्तों, स्टेयर्स के माध्यम, ये स्टेयर्स आपका हमेशा ऊपर ही रहेगा। जैसे ऊपर से आप आते हैं तो सबसे पहले आपको ये मिल जाता है बेडरूम एक बड़ा सा, और इसके बाद इस साइड में एक बेडरूम मिलता है, और इसके बाद जैसे आप यहाँ से आते हैं इस बेडरूम से होते हुए तो ये आपका लॉन मिल जाता है, ये आपका किचन, ओपन किचन है, ये दोस्तों आपका लेटरिन बाथरूम है। अगर आप लेटरिन बाथरूम बनाना चाहते हैं तो नीचे भी बना लें। अगर हाँ, मैंने आपको दोस्तों मार्केट में जो लेटरिन बाथरूम जो आप देख रहे हो कि यहाँ डिजाइन नहीं है, इसीलिए मैंने स्पेस छोड़ रखा है ये स्टेयर्स के बगल में। यहाँ पर आप लेटरिन बाथरूम अपना डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के लिए बहुत ही कंपलसरी होता है, तो आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। तो ये इसके बाद ये आपका लेटरिन बाथरूम यहाँ पर एक हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ भी डिजाइन कर सकते हैं। सबसे आगे अगली बात करें तो एक बड़ा सा बेडरूम और ये आपको ओपन स्पेस मिल जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ भी बेडरूम डिजाइन कर सकते हैं और यहाँ पर ये डिजाइनिंग का पार्ट है। आप देख सकते हैं ये डिजाइनिंग का पार्ट है, ये आपकी विंडोज है और इस वाले रूम के लिए दो यहाँ पर गेट दिए, मैंने एक विंडो दिया है और ये प्रॉपर तरीके से आपका देखिएगा पूरा घर डिजाइन है। अब हम ले चलते हैं आपको इसके लास्ट फ्लोर पर। तो यहाँ पर देखिए, मैं लास्ट फ्लोर पर दोस्तों कुछ डिजाइन नहीं किया, ये बस एक बना दिया है गुमटी जिससे आपका स्टेयर्स ढक जाए और ये लास्ट में एक सबसे फ्रंट पर एक रूम दे दिया है और पूरा का पूरा आपका वही। तो यही पूरा मॉडल था जो जिसका शायद 22x52।
ये मॉडल कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपका कोई रिकमेंडेड मॉडल है तो मुझे कमेंट करें, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।